हेलो फ्रेंड्स, अनदर स्मॉल शॉर्ट टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन इंडिया अबाउट 20-30% लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चरल यील्ड आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कॉज ड्यू टू पैथोजन्स and different other processes, harvesting process, storage process, transport, etc. And hence it becomes necessary that we should develop a variety which is disease resistant. Now let us try to understand why it is necessary to develop a disease-free plant, or what is the necessity of developing a disease-free plant. The main problem is that low yield or agricultural produce is susceptibility of plants to different diseases. Yani, kam yield aana ya kam agricultural produce nikalna, iske piche ka main reason susceptibility of plants hai. किस चीज को लेकर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन्स लाइक फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, देयर आर नेमेटोड्स एंड मेनी मोर। ओके, क्रॉप लॉस जो है, जो ऐसे मैंने अभी बताया कि वो अलग अलग पैथोजन्स के वजह से क्रॉप लॉस ड्यू टू पैथोजन्स इज अबाउट 30%, बराबर। इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीज फ्री या डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज का होना जरूरी है, बराबर। ऐसे सारे प्लांट्स को हम लोग डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बोलेंगे, और ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से ही डेवलप की जाएगी। हैजार्डस पेस्टिसाइड्स का यूज जो है वो भी कम हो जाएगा, एग्रीकल्चरल यील्ड भी बढ़ेगा, और दैट्स व्हाई वी नीड टू डेवलप डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। हाइल्डिंग वेराइटीज की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाइल्डिंग वेराइटीज जो है उनके एडवांटेजेस क्या है वो समझो। ये जो सारी वेराइटीज है वो पर हेक्टेयर ज्यादा यील्ड देती है, बेटर यील्ड पर हेक्टेयर देन ट्रेडिशनल वेराइटीज। ड्वार्फनेस ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके वजह से प्लांट्स ये स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग विंड्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं। बेटर रिस्पॉन्स देते हैं ये किस चीज को? फर्टिलाइजर्स को। कम समय लगता है इनके मैच्यूरेशन के लिए, जिसके वजह से दूसरे क्रॉप जो है वो हम लोग ले सकते हैं। इन्हें हम लोग अर्ली मैच्यूरिंग वेराइटीज भी बोलेंगे, बट इसके साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी है ना। सबसे पहला पार्ट ये है कि गिव लेस फॉडर। एक जमाना था कि जब हम लोगों के यहाँ अलग अलग टाइप के एनिमल्स के लिए, कैटल के लिए अपने ही घर का फॉडर जो है वो होता था, लेकिन अब लेस फॉडर है क्योंकि हाइट कम होगी प्लांट की, बराबर। रिक्वायर हायर इनपुट। हायर इनपुट किस चीज का? मोर फर्टिलाइजर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर than traditional varieties। ये इनका एक प्रॉब्लम। फ्रिक्वेंट वीडिंग करना पड़ता है, बराबर। बार बार उनमें ग्रो होने वाले अदर प्लांट्स को निकालना जरूरी है। पेस्टिसाइड्स जो है वो भी ज्यादा लगते हैं, बराबर। और दे आर मोर ससेप्टिबल टू डिसीजेस, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए यहाँ पॉइंट ये आता है कि अब ऐसे कौन से पर्टिकुलर पैथोजन्स है जिनके वजह से ये प्रॉब्लम्स है और हाई यील्डिंग वैरायटी होने के बावजूद हम लोगों को कम यील्ड मिलता है। फंगल डिसीजेस है। फंगल डिसीजेस में देखो, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट आएगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, लेट लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बराबर। बैक्टीरियल डिसीजेस डेवलप होते हैं, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये सबसे कॉमन है। अब क्रूसीफर में कौन आएगा? क्रूसीफेरी के मेंबर आएंगे, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो कैबेज आता है, बराबर। कैबेज के साथ साथ कॉलीफ्लावर है, यानी गोभी के दोनों टाइप्स आ गए। रेडिश भी आएगा, बराबर।
यहाँ लीप ब्लाइट ऑफ राइस भी है, वायरल डिजीजेस में टोबैको मोजाइक है, टर्निप मोजाइक है, ये दोनों पर्टिकुलर टाइप के डिजीजेस यहाँ डेवलप होते हुए हमें मिलते हैं। अब इस पॉइंट पे हम लोगों को क्वेश्चन 3 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, और वो जाएगा मैच द कॉलम्स में। इन टॉपिक्स में एनसीईआरटी के बुक में और स्टेट के बुक में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बराबर। जैसे ये टेबल की बात होती है तो ये टेबल की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। ये सारे कौन है, तो दीज आर सम ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज विच वी हैव डेवलप्ड, बराबर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 4 मार्क्स ये क्वेश्चन हो सकता है। डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज है ये, वो डिसीज कॉजिंग एजेंट का पार्ट था, ये वेराइटीज का पार्ट। वीट में हम लोगों ने हिमगिरी नाम की एक वेराइटी डेवलप की जिसमें लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट ये नहीं होगा। अब ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट क्या होता है, देखो ये वीट का लीफ है, यहाँ पे रस्टिंग जैसे स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये है इस तरीके से, बराबर। और इससे फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। जब हम लोग इसी में ब्रासिका के वेराइटीज की बात करेंगे तो पूसा स्वर्णिम है, व्हाइट रस्ट ये नहीं होगा। अभी व्हाइट रस्ट हम लोगों को इस तरीके से दिखता है, कॉलीफ्लावर पे दिख रहा है हम लोगों को, बराबर। यहाँ पे ये हमें राई में भी मिलेगा, मस्टर्ड में भी मिलेगा, बराबर। ब्रासिका जुनिशिया, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी मस्टर्ड, उसके पत्तों पे भी मिलता है, ये कैबेज को लेकर हुआ है। अब यहाँ कॉलीफ्लावर की जो वेराइटी है वहां पे भी हम लोगों को नई वेराइटी मिली, पूसा शुभ्रा, बराबर। इसमें एक वेराइटी और है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो है पूसा स्नोबॉल, बराबर। IARI इन्हें डेवलप करता है। यहाँ ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ये दोनों जो है, इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी मिली, जैसे ये है, ये देखो इस तरीके से स्पॉट्स जो है वो डेवलप हुए है यहाँ, ये सारे स्पॉट्स है गोभी के ऊपर, ब्राउन हो गया, ये लीफ कर्ल हुआ है, लीफ के ऊपर इन्फेक्शन भी हम लोगों को मिलता है। और ये चिली, बराबर, चिली में लीव्स के ऊपर इम्पैक्ट मिला है, कर्लिंग हुआ है उनका, फ्रूट की क्वालिटी डिटेरियरेट हो गई है। सो और ये किसने कॉज किया, ये कॉज करने वाले वायरसेस है, तो इन वायरसेस के अगेंस्ट हम लोगों को रेजिस्टिविटी मिली और इसलिए हम लोगों ने चिली की वेराइटी भी डेवलप कर ली, पूसा सदाबहार, बराबर। अब अलग अलग टाइप के इंसेक्ट पेस्ट जो है उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होना जरूरी है, और उसको लेकर प्लांट की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये पर्टिकुलर चीजें यूज की जाएगी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट इंसेक्ट में, बराबर। डिफरेंट पेस्ट एंड इंसेक्ट डिस्ट्रक्ट क्रॉप यील्ड एवरी ईयर, वो प्लांट पे अटैक करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ऐसे केसेस में जो खास चीज प्लांट को हेल्प करती है वो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। जैसे हेयरी लीव्स इन कॉटन, ये पहला एग्जांपल है, वो रेजिस्टिविटी देगा कॉटन प्लांट को, वीट को भी देगा, किसके अगेंस्ट, जब कॉटन की बात आएगी तो जसीड्स आएंगे, और मेज और वीट इनकी जब हम लोग बात करेंगे तो लीफ बीटल जो है, सिरल लीफ बीटल, उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी हेयरी लीव्स जो है वो देते हैं। ये ऐसा कॉटन का लीफ है, इसके ऊपर फाइन हेयर ग्रोथ जो है वो हम लोगों को मिलती है और वो उन्हें रेजिस्ट करेगी। सॉलिड स्टेम जो होता है वीट का, वो रेजिस्टिविटी देगा किसके अगेंस्ट, सॉ फ्लाई के अगेंस्ट, बराबर। सॉलिड स्टेम वेराइटी ऑफ वीट इज रेजिस्टेंट टू सॉ फ्लाई, सॉ फ्लाई यानी जो स्टेम को डिस्ट्रक्ट करेगी, हॉलो बना देगी, उसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर वेराइटी काम करेगी। जिन कॉटन प्लांट्स में लीव्स स्मूथ होते हैं और कम नेक्टर होता है, उनमें बोलवर्म कभी डिसीज प्रोड्यूस नहीं करते। अब नेक्टर कहाँ रहेगा, नेक्टर रहेगा नेक्टरी में, और नेक्टरी रहेगी ओवरी के पास,
और कॉटन की बात चल रही, कॉटन बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी, और मालवेसी में नेक्टर इज प्रेजेंट होती है नियर द बेस ऑफ ओवरी। अब लेस अगर नेक्टर है तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हेल्प करेगी वहां पे। सो नेक्टरलेस वेराइटी विथ स्मूथ लीव्स, ये बोलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रही है। इन द वेरी सिमिलर मैनर मेज स्टेम बोरर उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके ऊपर यानी मेज प्लांट के ऊपर। कौन से? लेकिन जिसका नाइट्रोजन कंटेंट लो है, शुगर कंटेंट जो है वो हाई एस्पार्टिक एसिड दिखा रहा है। लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट विद हाई एस्पार्टिक एसिड, बराबर, वो स्टेम बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी ऑफर करता है। तो ऐसे इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने कुछ ब्रीड जो है वो भी डेवलप किए, बराबर। ऐसी जो रेजिस्टेंट वेराइटीज होती है, इन्हें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज करूं तो मुझे नई वेराइटीज मिलेगी विद चेंज जीनोटाइप, और उन्हें मैं ग्रो कर सकता हूं। अब जैसे रेपसीड या मस्टर्ड, बराबर, ब्रासिका, उसमें पूसा गौरव हम लोगों ने डेवलप किया है विच इज रेजिस्टेंट टू अफिड्स, बराबर। ओकरा यानी भिंडी, अबेल मस्कस एस्क्यूलेंटस, मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी, यहां पे हमने दो वेराइटीज डेवलप की, एक पूसा सावनी और दूसरी पूसा A4। ये शूट और फ्रूट बोरर के अगेंस्ट काम करती है। और तीसरा एक एग्जांपल हम लोगों को और मिलेगा, वो है फ्लैट बीन चपटे बाग, बराबर। इसमें भी हमने दो वेराइटीज डेवलप की, एक का नाम है पूसा सेम टू, बराबर, पूसा सेम टू ये एक, और दूसरी वेराइटी है हमारी पूसा सेम थ्री। ये हमें किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगी? ये रेजिस्टेंस देती है जसीड, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, बराबर, अफिड्स। इनको कई बार लोकल लैंग्वेज में मावा बोला जाता है, बराबर। और तीसरा जो है वो है फ्रूट बोरर। अगेन कंप्लीट द टेबल, आइडेंटिफाई द एग्जांपल, गिव द एग्जांपल, ये सारी चीजों में इसे यूज किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी नीड टू डेवलप डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड हाउ वी हैव डेवलप्ड के लिए हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां सिर्फ कौन सी वेराइटीज किस तरीके से किस कैरेक्टर से रेजिस्टेंस ऑफर करती है ये हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में मिलेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग के साथ। थैंक यू।